तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन नहीं चाहता आज के इस दुनिया में कि उनका जो है वो एक अच्छी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सके और अच्छे से रिकॉर्ड करके जो है अपने पास रख सके, या कोई उनसे रिकॉर्डिंग लेता है तो उन्हें दे सके अच्छी सी रिकॉर्डिंग करके। तो आज की इस वीडियो में आज हम रिकॉर्डिंग करने के बारे में जानेंगे, रिकॉर्ड ऑडियो करेंगे क्लियर वॉइस में, काफ़ी क्लियर वॉइस में जो है रिकॉर्ड ऑडियो करना बताएंगे आपको। अंत तक ज़रूर बनी रहिएगा। आज का लाइक है 20 लाइक, और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी क्या राय, इतनी सी जो है रिक्वेस्ट है। तो चलिए बताते हैं आपको नंबर वन रूल्स। दोस्तों कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए, अगर आप इन्हें फॉलो कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी वॉइस एकदम क्लियर आएगी आपके ऑडियो में, आप कितने भी धीरे क्यों नहीं बोल रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, जिस रूम में आप बैठे हो, जिस रूम में आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, उस रूम में आप जो है उस रूम का गेट हल्का सा बंद रखें, हल्का सा खुला रखें, उसको बंद करके उसमें कम सामान होना चाहिए तथा उसमें आपकी वॉइस जो है जैसे वॉइस गूंजती है ऐसे गूंजना चाहिए हल्की हल्की सी, ताकि आपकी और क्लियरिटी बढ़ेगी। उसके बाद अगर हम लोग दोस्तों बात करें नंबर दो की, नंबर दो ये है कि आपको अपने जो फ़ोन का रिकॉर्डर है उससे ही रिकॉर्ड करना चाहिए, अन्यथा अगले से नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़ोन का ही रिकॉर्डर बेटर होता है। अगर हम लोग दोस्तों नंबर तीन की बात करें, तो आपका फ़ोन यदि पुराना हो गया है तो माइक वगैरह स्पीकर वगैरह में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप दुकान पर जाकर चेक ज़रूर करवाएँ। और अगर दोस्तों हम बात करें नंबर फोर की, तो नंबर फोर पे यह है कि आपको अपने फ़ोन को अपने मुंह से 2 से 3 इंच दूर रखना है जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, या फिर आप अगर किसी चेयर पे बैठे हो तो किसी टेबल पे भी रख सकते हैं, तथा टेबल पे रखने के बाद आप उसे आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड ऑन करके जो है उसे टेबल पर रख सकते हैं और उसे बहुत आसानी से जो है उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं जो भी ऑडियो आपको रिकॉर्ड करना है। अगर दोस्तों हम लोग नंबर फोर यानी कि नंबर फाइव की बात करें, तो नंबर फाइव पे है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नंबर फाइव पे ये है कि आप जहाँ पर भी बैठे हो अपने आसपास में किसी का बैकग्राउंड इशू नहीं आना चाहिए, यानी शोर नहीं आना चाहिए। इससे तो क्या होगा, तो शोर नहीं आना चाहिए। बाकी बैकग्राउंड एडिटिंग में जो आप बैकग्राउंड करते हो, बाकी तो साउंड वगैरह तो आप आपके हिसाब से लगा लीजिएगा जो, और बैकग्राउंड में जो है किसी का शोर नहीं आना चाहिए, वहाँ पर आप जाके बैठिए। और अगर आप लोग जो है हम लोग नंबर सिक्स की बात करें, तो आपका फ़ोन जो है, वैसे फ़ोन तो काफ़ी पुराने होते हैं, तो फ़ोन को इतना पास मत लाइए अपने मुंह के कि फ़ोन आपका खुद दिक्कत करेगा। अगर आप काफ़ी पास ले जाके बोलते हो अपने मुंह के काफ़ी पास यानी काफ़ी करीब बिल्कुल अड़ा के, तो नंबर सिक्स पे यही था, तो आपकी जो है वॉइस फटने लगेगी और वॉइस बहुत अच्छी नहीं आएगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, और हाँ ये रूल्स अगर आप फॉलो कर लोगे तो बिल्कुल क्लियर रिकॉर्डिंग होगी जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी। और हाँ नंबर सात की भी हम लोग बात ही कर लेते हैं, तो नंबर सात भी ये है कि कूलर पंखा टीवी तथा एसी वगैरह जो भी है उसे बंद रखें जब आप ऑडियो वीडियो जो भी रिकॉर्ड कर रहे हों। तो इन रूल्स को आप फॉलो कर लोगे ना, तो आपके पास जो है काफ़ी कुछ जो है आ जाएगी, जैसे तो आप एक माइक से रिकॉर्ड कर रहे हो और बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग आपकी जो है हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, सभी को बेनिफिट मिलेगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना तो भूलें ना।
तथा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।